उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा हो रही है, सिपाही की भर्ती की वैकेंसी निकली थी और आज और कल पेपर देने के लिए राजधानी लखनऊ में 274,000 अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जो अन्य राज्यों से भी आए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार सर। धर्मेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आए हैं। बिहार से आकर उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन करने के लिए पेपर देने आए हैं आप? जी सर। कितनी तैयारी की है आपने? किए हैं कुछ। दौड़ करते थे? हाँ, मॉर्निंग में जाते हैं। मॉर्निंग जाते थे। मतलब क्या उम्मीद है, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती निकली, कभी ऐसी कहीं भर्ती 60,000 पदों की एक साथ नहीं निकली है, तो क्या लग रहा है हो जाएगा आपका? आप कोशिश तो कर रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, हमारे साथ एक अन्य भी मौजूद हैं साथी, आप कहाँ से आए हैं? हम भी बिहार से हैं। बिहार से? ये बताइए, यूपी पुलिस की तैयारी की वैकेंसी जब जानकारी हुई तो कैसे तैयारी करी आप लोगों ने? हम तो पहले लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में अपना पहले रूटीन जो है सिलेबस, उसको सिलेबस में जो जो भी है उसको एक साथ मतलब टाइम टेबल के साथ अपना स्टडी करते हैं। दौड़ भी बहुत ज़रूरी होती है, क्या दौड़ा, आप दौड़ की प्रैक्टिस करी थी? हाँ, दौड़ने जाते हैं। देखिए बिल्कुल तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं, एक अन्य साथी भी मौजूद है। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर बिहार से हूँ। आप भी बिहार से? क्या कैसे तैयारी की थी आपने यूपी पुलिस को लेकर? मैं घर पर ऑनलाइन करता हूँ तैयारी, ऑनलाइन करते हैं। और फिजिकल बात करें उसको लेकर क्या आप लोगों की तैयारी रहती है? जाता हूँ सुबह दौड़ने फील्ड पर सुबह। अच्छा, यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसी निकली हैं तो क्या लग रहा होगा इस बार? मैं तो अभी पहला बार भरा हूँ फॉर्म। पहली बार फॉर्म भरे? हाँ। तो लग रहा है, उम्मीद है कुछ? पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसा पहला पैटर्न क्वेश्चन आता है। अच्छा, देखिए ये अभ्यर्थी है जो पहली बार इन्होंने ट्राई किया, हमारे साथ अन्य साथी भी मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी हम बिहार में गोपालगंज से हैं। गोपालगंज से, बिहार से जी। तो कैसी तैयारी रहेगी, उसका पेपर देने जा रहे हैं कुछ देर बाद, आपका पेपर है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? पेपर सर तैयारी जितना टाइम मिला उसके हिसाब से तो सही है, क्योंकि टाइम मात्र दो माह मिला। अच्छा, बिहार पुलिस की वैकेंसी कभी निकली, कभी आपने उसमें ट्राई किया कभी? हाँ, मेरा तो एग्जाम ही नहीं हुआ, उसके पहले ही कैंसिल हो गया। अच्छा, बिहार पुलिस की वैकेंसी निकली थी, वो कैंसिल हो गई आपके एग्जाम होने से पहले? उसके बाद उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई भी। अच्छा, यूपी पुलिस की जानकारी कैसे हुई, आपने कैसे क्या सोचा कि यूपी पुलिस को ज्वाइन करेंगे, बिहार के रहने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइन करने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, हो जाते हैं तो? ये इतना ना बेरोजगारी है, हम लोग क्या करेंगे, जहाँ मिल जाए वहाँ सेटल होना है बस। देखिए निश्चित तौर पर बेरोजगारी की अगर बात करें, सभी जो युवा हैं उनके मन में है कि अभी बेरोजगारी चल रही है, हमको अगर कहीं से भी अगर उम्मीद दिखती है, उम्मीद की किरणें दिखती हैं, वहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। फिलहाल अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग 113 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 274,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देने पहुँचे हुए हैं। राजधानी लखनऊ में तमाम जो सेंटर्स हैं जहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी भी जो तैनात है, कई अधिकारी यहाँ पर तैनात है, जोनल अधिकारी वहाँ पर तैनात है, आपको दिखाना चाहेंगे। इसी से पीछे जो सेंटर है, तमाम जो सेंटर्स वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर लोग पेपर देने पहुँचे हुए हैं, उसके साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी हो रही है और हर एक केंद्र के अंदर अगर बात करें जैमर लगाए हैं, जैमर से कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो फेल हो सकती है, मोबाइल और वॉच इलेक्ट्रॉनिक उसको अंदर ले जाने की परमिशन नहीं है। फिलहाल अभ्यर्थी जो है वो कल देर रात से ही लखनऊ पहुंचना शुरू हो गए थे और तमाम जो अभ्यर्थी हैं स्टेशन पर ही रुके थे, फिलहाल उनके लिए तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं और नकल ना हो उसको लेकर तमाम जो तैयारियाँ हैं उसको पहले से ही कर ली गई थी। भरत से डीके न्यूज़ इंडिया लखनऊ।